नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल house.com पर। आज मैं आपको दिखाने आया हूं 2BHK फ्लैट, वो भी गेटवे सोसाइटी में। ये दो सेगमेंट में होंगे, T+5 होगा और G+4 होगा, बट द कॉमन थिंग इज इसमें विद लिफ्ट होगा। अब G+5 और T+4 इसलिए बनाया क्योंकि जो G+4 बना रहे हैं हम, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको 500 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया भी रहेगा। तो बात कर लेते हैं एरिया की। हम इस वक्त खड़े हुए हैं खरड़ लुधियाना हाईवे पे, एकदम बैंग ऑन लुधियाना हाईवे हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, एंड इसी के साथ में हमारा गेट रहेगा। तो सीधा चलते हैं फ्लैट की तरफ। टूर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आ चुके हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, ये T+5 फ्लोर का रहेगा। यहीं पे T+5 और G+4 अवेलेबिलिटी है। तो ग्राउंड फ्लोर विद गार्डन चाहिए, उसके लिए G+4 बेस्ट रहेगा। अभी हम T+5 में है, तो एंटर करने से पहले यहाँ पे डिजिटल स्मार्ट लॉक आ जाता है। और अंदर एंटर होते ही आप देखेंगे तो ड्राइंग एरिया हमारा एकदम सेपरेट किया हुआ है। जैसा कि नॉर्मली 3BHK के फ्लैट्स में होता है कि आपकी ड्राइंग डाइनिंग सेपरेट रहती है, 2BHK में ड्राइंग डाइनिंग एक ही जगह होती है। अभी इस वक्त आप देख सकते हो ये ड्राइंग एरिया आ गई। ऑलमोस्ट 7 सीटर सोफा की स्पेस है यहाँ पे। मास्टर वॉल पे बहुत प्यारा रॉयल ब्लू कलर का वॉलपेपर किया हुआ है, एंड इसी के ऑपोजिट आपके LED पैनल की स्पेस है। आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज स्पेस आ जाती है, एंड राइट हैंड साइड हमें काफ़ी अच्छे कैबिनेट्स मिल जाते हैं डेकोरेशन के लिए। आप अपनी इसमें फैमिली पिक्स भी रख सकते हो। इसी के साथ बाहर की तरफ हमारी बालकनी अटैच रहेगी। अब बालकनी की बात करूँ, यहाँ पर दो पॉजिटिव पॉइंट आ जाते हैं। हमारा जो फ्लैट रहने वाला है ये बोथ साइड ओपन है, तो एक बालकनी आपके फ्लैट के लेफ्ट साइड है, एक बालकनी आपके फ्लैट के राइट साइड भी रहेगी। इसके आगे एट प्रेजेंट अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो फिर स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन एरिया रहने वाला है। आपका ये जो फ्लैट है पार्क फेसिंग होगा। तो आइए चलते हैं वापस फ्लैट की तरफ। तो जो हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा, इसी के साथ हमारी डाइनिंग की स्पेस अलग से आ जाएगी। इस तरफ आप देख सकते हैं आपका इजीली 6 सीटर डाइनिंग स्पेस आ जाएगी। फॉल सीलिंग का वर्क काफ़ी अच्छा किया हुआ है, फॉल सीलिंग आपको इसमें हम करके दे रहे हैं। एंड इस तरफ आ जाएगा हमारा कॉमन वॉशरूम। अब देखो 2BHK में ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है, लेआउट काफ़ी अच्छा है कि आपको एक कॉमन वॉशरूम दे दिया, एक आपका पर्सनल बेडरूम में रहेगा। तो आपके घर जो भी गेस्ट आते हैं, आपके रूम की प्राइवेसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कॉमन वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर किचन एकदम सेपरेट होगी, प्लस सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हमारे पास यू शेप में किचन आ गई है। यहाँ पर यू शेप में किचन एंड आपके फ्रीजर की स्पेस यहाँ पर आ जाएगी। फ्रीजर आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और काफ़ी अच्छी स्पेस निकल कर आती है यहाँ से। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो भी दे रखी है। तो अगेन ये 2BHK फ्लैट में हम 2BHK फ्लैट की सबसे काफ़ी अच्छा हमें एरिया देखने को मिलता है। तो ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया विद किचन था। आइए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। अब फर्स्ट बेडरूम में जो स्पेस रहेगी हमारी, आप देख सकते हो जितने भी हमारे वार्डरोब हैं ये इनबिल्ड होंगे, तो क्या है आपके रूम की स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 6x6 का बेड लगने के बावजूद आपके पास यहाँ पे 5 फिट की स्पेस है, 5 फिट की एक्स्ट्रा स्पेस रहेगी। दोनों साइड काफ़ी अच्छी मूवेबल स्पेस है, एंड इसी के साथ वॉशरूम अटैच रहेगा आपका। अब आपके इस रूम के साथ भी बालकनी अटैच रहेगी, जस्ट मिनट। सो एज आई साइड इट इज़ अ बोथ साइड ओपन, यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बाहर की बालकनी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा साइज़ है, इवनिंग में आप यहाँ पर बैठ भी सकते हो, दोनों बालकनी में बैठ सकते हो। इस तरफ की बालकनी उधर की आप ओपन कर दोगे, बहुत अच्छी वेंटिलेशन रहेगी, एंड ये वेट एरिया भी यूज़ कर सकते हो। मेरे बैक साइड आप देख सकते हो यहाँ पर हमने प्लग इन टैप दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर दी है, आपकी वॉशिंग मशीन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। इसी के एडजॉइनिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम, जिसमें कि वॉशरूम आपका इनबिल्ट रहेगा। अब अगेन यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे आप देखोगे वार्डरोब अंडरवॉल की हुई है, जिसके कारण स्पेस की कोई कमी नहीं आ रही। बेड काफी अच्छा लगा रखा है, बहुत स्पेशल लगा रखा है। ये किंग साइज बेड है भाई, दो 7x7 का बेड लगा हुआ है इसमें, उसके बावजूद स्पेस काफी अच्छी है। मास्टर वॉल पे वॉलपेपर आपको यहाँ देखने को मिलता है, और इस तरफ आ जाता है हमारा LED पैनल। अब ये भी अटैच रहेगा आपका बैक साइड की बालकनी के साथ, एंड इसी के साथ यहाँ पर आ जाएगा हमारा वॉशरूम एरिया। तो वॉशरूम में आपकी जगवर की सैनिटरी रहने वाली है सारी, जो आपका सिंक रहेगा, वॉल हैंगिंग सीट है, एंड अंडरवॉल वाटर टैंक रहेगा, ये सारी की सारी जगवर सैनिटरी लगाकर दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर 2 बेडरूम 2 वॉशरूम है, काफी अच्छी किचन के साथ, बोथ साइड ओपन। तो दोस्तों ये था हमारा 2BHK फ्लैट जो कि बोथ साइड ओपन रहने वाला है। लोकेशन की एक बार बात करें तो ये एग्जैक्ट खरड़ लुधियाना हाईवे पे है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ऑटोमेटिकली काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, बिकॉज खरड़ लुधियाना हाईवे पूरा एजुकेशन हब है। एंड सोसाइटी की सबसे अच्छी चीज़ है कि ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी रहेगी, क्लब हाउस होगा इसमें, पार्क है, गेम्स खेलने के लिए अलग से स्पेस है, तो ग्रीनरी का भी काफ़ी अच्छा इसमें ध्यान रखा गया है। प्रॉपर गेटेड सोसाइटी में आपको 2BHK फ्लैट मिलने वाला है, जो कि है 117 गज का। तो इसकी प्राइसिंग की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में हमने मैंशन कर दी है, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।